नमस्कार, मैं सुभाष गोयल, वरदान आयुर्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन, सेक्टर 44D, चंडीगढ़ से। आज हम बात करते हैं चमड़ी रोग की, स्किन प्रॉब्लम की, चर्म रोग की, जिसे हम कहते हैं सोराइसिस। सोराइसिस एक अपने आप में बहुत ही भयंकर रोग है, बहुत ही ये रोग जिसको भी हो जाता है, इसकी तकलीफ़ जो है, इसकी पीड़ा जो है, वही जानता है। और जहाँ भी वो जाते हैं सोराइसिस का रोग ठीक करने के लिए, जहाँ भी वो जाते हैं, देखो एलोपैथिक में जाते हैं, वहाँ तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, तुरंत वो देते हैं, तुरंत कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। जैसे ही दवाई बंद करी, वो फिर बाहर आ जाता है, फिर वो पूरी चमड़ी पे फैल जाता है। वो रोग ख़त्म होने की बजाय और बढ़ जाता है, अंदर ही अंदर एग्रीवेट हो जाता है। ये सोराइसिस की बात हम कर रहे हैं। और किसी दूसरी पैथी में हम जाते हैं तो उसमें भी इसकी रोकथाम है, आयुर्वेद में भी इसका रोकथाम है। तो हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो वैद्य हैं, वो आयुर्वेद के MD हैं, आयुर्वेद आचार्य हैं। वो इसके ऊपर ज्ञान अध्ययन के बाद उन्होंने एक औषधि बनाई है, बहुत सारे लोग जानते हैं। तकरीबन नवंबर 2005 की ही बात करूंगा, तब से ही हमने मेडिसिन को मार्केट में दिया है। तो जब ये दवाई बनी, इसका एक ही सिंगल कैप्सूल है जो सुबह सुबह खाना है। शरीर पैर से लेके सर तक जितना मर्जी ख़राब हो रखा हो, पूरी चमड़ी पे आप समझ लो कि डैंड्रफ बन जाती है, पपड़ी जम जाती है, उस चीज़ को निकालने के लिए एक कैप्सूल सुबह खाली पेट दिया जाता है, जो अंदर से, बॉडी के अंदर से इसको ठीक करता है सोराइसिस को। और लगाने के लिए इसके अंदर एक क्रीम दी जाती है, जो चमड़ी के ऊपर पपड़ी जम जाती है, डेंड्रफ निकलता रहता है, वो उसको रोकने के लिए है, तुरंत रोक देती है वो। और एक ऑयल दिया जाता है, तेल। तेल इसलिए लगाया जाता है, जो बार बार ईचिंग होती है, हम खारिश भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो गला होता है शरीर, नाखून तक भर जाते हैं, बहुत गंदी हालत होती है, सिर के बालों में भरा होता है, बॉडी पूरी भरी होती है। कभी आपको मतलब लगता होता है कि यार ये कैसे ठीक होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम जब तेल देते हैं, तो तेल को लगाने से तुरंत शांति, और आप रात को आराम से सो सकते हो। रात को तेल लगाना है, सुबह नहाने के बाद क्रीम लगानी है ताकि कपड़े ख़राब ना हो, क्रीम बहुत हल्की सी लगानी होती है, और कैप्सूल सुबह खाली पेट खाना है। और एक इसमें टैबलेट दी गई है और एक पाउडर दिया गया है, जिस वो इसलिए दिया गया है कि अंदर से पूरी तरह रोग जड़ से कैसे ख़त्म होगा। तो ये 3 महीने तक जो कोर्स हम करवा देते हैं, शरीर जितने ही ख़राब क्यों ना हो, 3 मंथ के अंदर अंदर वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाती है बॉडी। पेशेंट को भी लगता है ये तो वाकई कोई ना कोई चमत्कार हुआ है। चमत्कार कुछ नहीं है, आयुर्वेद में ग्रंथों में इसका इलाज लिखा है, बस बनाने की विधि का फ़र्क है। एक घर में जैसे हम कहते हैं ना, 3 लोग सब्जी बनाते हैं तो एक बंदे की सब्जी बहुत स्वाद लगती है बनाई हुई, दूसरे 2 की नहीं लगती। तो उसमें क्या है, बनाने की विधि का फ़र्क है। हमारे जो वैद्य हैं पूरी जी जान से इसके लिए काम करते हैं, क्योंकि सोराइसिस के पेशेंट के लिए काम करना, ये समझ लो कि भगवान के घर में हाजिरी लगाने वाली बात है, ये इतना भयंकर प्रॉब्लम है। तो जैसे ही पेशेंट ठीक होता है, फिर उसकी दवाई जो है कम से कम 6 महीने, और किसकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको ज़्यादा टाइम भी लगता है, 1 ईयर तक लग जाता है, 1 साल तक लग जाता है। तो अगर आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके घर के आसपास कोई भी रोगी सोराइसिस रोग से पीड़ित है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ नोट कर लीजिए, आज ही से हमारी दवाई कब आएगी, हमें आप कब मिलोगे, बाद की बात। आज ही से आप एक तो वाइट नमक बंद करके सेंधा नमक लेना शुरू कर दीजिए, प्रॉपरली सफ़ेद नमक बंद कर दीजिए, आयोडीन वाला आप सेंधा नमक लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप शराब या बियर का सेवन करते हैं, तुरंत बंद कर दीजिए, करना पड़ेगा, नहीं तो ये बीमारी आपको नहीं छोड़ेगी। तीसरी चीज़ जो है वो मांस, नॉन वेज, अगर कोई भी किसी भी रूप में आप लेते हो, बिल्कुल नहीं लेना। ये चीज़ें जब आप बंद करेंगे तो आपको तुरंत बहुत फ़ायदा होगा घर पे। और उसके बाद जो हमारी दवाई हम देते हैं, हमारा ट्रीटमेंट जो देते हैं, ये एक पूरी किट है, किट दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, डॉक्टर अवेलेबल हैं हमेशा, आप उनसे बात करते रहिएगा। तो उस दवाई को जब हम शुरू करते हैं, तो ये 3 चीज़ों का परहेज ज़रूरी है। अगर आप ये परहेज कर सकते हैं तो हमारे नंबरों पर कॉल कीजिए, अपनी सोराइसिस की बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति पाइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। ये हीरे सा बदन क्यों नहीं सवारते, हीरे की कदर तो तराशने के बाद ही होती है।
लजब अपनाओ और अनचाहे बालों से हमेशा के लिए निजात पाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रामबाण हेल्थ शो में, और आपके साथ हाजिर हूँ मैं कंचन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरदान आयुर्वेदिक सेंटर चंडीगढ़ के MD सुभाष गोयल जी। सबसे पहले सुभाष गोयल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कंचन जी, और सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज के अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे नशा छुड़वाने को लेकर। आज के इस कार्यक्रम में हमें बात करनी है उन नशों को लेकर जिनकी वजह से आज के टाइम में लोग बेहद परेशान हैं। शराब का नशा, सिगरेट का नशा, चरस, गांजा, अफीम, डोडा, इसके अलावा चिट्टे का नशा और भांग का नशा, ये ऐसे नशे हैं जिनसे दूर होना बेहद ज़रूरी है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वरदान आयुर्वेदिक सेंटर चंडीगढ़ में आपको इन तमाम नशों का तोड़ मिल सकता है। जी हाँ, सुभाष गोयल जी से सीधे बात करेंगे और पूछेंगे कि इनका तोड़ क्या है और कैसे इन तमाम नशों से अपनों को दूर किया जा सकता है। तो सुभाष जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है सर, जिस तरीके से लगातार हम नशे को लेकर बात करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, आजकल के वक्त में अगर देखा जाए तो शराब के अलावा कई ऐसे नशे हैं जिसके लोग आदी होते जा रहे हैं। इन तमाम नशों से लोगों को कैसे दूर किया जा सकता है, संस्थान इन तमाम नशों से कैसे लोगों को दूर कर सकती है सर? देखो कंचन जी, ऐसा है कि हम जो लोगों को नशा छुड़वा रहे हैं, हम सबसे पहले तो ये कहते होते हैं कि कोई भी नशा, चाहे वो अफीम का नशा है, चाहे वो स्मैक का नशा है, चाहे वो हेरोइन का नशा है, चाहे वो कॉकिन का नशा है, चाहे वो जिसे हम कहते हैं कि चिट्टे का नशा है, किसी भी तरह का कोई नशा है, बीट का नशा है जिसे हम कह देते हैं भांग का नशा, या चर्स का नशा, इस तरह के बहुत सारे नशे हैं जो लोग करते हैं, और इन सभी नशों के जो है एंटीडॉट तैयार किए गए हैं सिंगल एक मेडिसिन में। मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले मेरी एक आप लोगों से विनती है कि बहुत सारी माताएं बहनें मुझे पूछती रहती हैं कि सर, जैसे शराब छूट जाती है बिना बताए, क्या ये नशे भी छूट जाएंगे बिना बताए? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक बात की हम जो है वो जिम्मेदारी लेते हैं कि जब हम इंसान को नशा छोड़ने की दवाई देते हैं तो वो ना तो उसको हम दाखिल करते हैं, ना हम उसको कोई तोड़ लगने देते हैं। जो दवाई जो है इसको लेने से कोई शारीरिक या मानसिक तोड़ तकलीफ भी नहीं होती, एक दिन भी उसको काम नहीं छोड़ना पड़ता। जब वो इंसान 2-3 दिन इस दवाई को खा लेता है या 4 दिन भी इसका कोर्स कर लेता है तो उसको ये बात कन्फर्म हो जाती है कि ये ऐसी दवाई है जो मुझे नशे से छुड़वा सकती है, नशे से बचा सकती है, नशे की दलदल से मुझे बाहर निकाल सकती है। फिर उसका मन जब विश्वास से बन जाता है तो फिर वो कहता है कि हाँ, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि जो भी इंसान नशा करता है, चाहे वो कोई भी इंसान है, किसी भी चीज़ का नशा करता है, वो अपने दिल पर हाथ रख के कहे, मैं जो बात कह रहा हूँ इसमें 1% भी झूठ नहीं है, वो छोड़ना चाहता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो छोड़ना चाहता है। मेरे पास आकर के जितने लोगों से मेरी मीटिंग होती है या टेलीफोनिकली मेरी बात होती है, वो यही कहते हैं कि गोयल साहब, हम छोड़ना चाहते हैं, गोयल जी हम नशा बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम जहाँ भी नशा छोड़ने जाते हैं, लोगों के विज्ञापन देखते हैं, पढ़ते हैं, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, तो वहाँ पर हमें क्या करते हैं, वो नशे तो छुड़वा देते हैं, वो जो दवाइयाँ देते हैं उस पर नशा दे देते हैं, हम उनकी दवाइयों पर लग जाते हैं, फिर हम नशा छोड़ के वो लेने लग जाते हैं। जब उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ब्रेन डैमेज होता है, आदत भूलने की लग जाती है, नज़र कमज़ोर होती है, दिमाग कमज़ोर होने लगता है, और दूसरी बात, एक कोई जीव के नीचे रखने की गोली देते हैं जो कि ब्रेन की नाड़ी तंत्र को कमज़ोर कर देती है, तो वो कहते जी हम फिर क्या करें, हम आसमान से गिरे खजूर में फंसे, बात वहीं रह जाती है। तो अगर आप हमें सच में नशा छुड़वा सकते हैं तो हम नशा छोड़ने को तैयार हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वरदान आयुर्वेदिक सच में एक वरदान है, जो हमारे वैद्य जी ने, हमारे डॉक्टरों ने जो मेडिसिन बनाई है, प्योर आयुर्वेदिक में मेडिसिन बनाई है, उसका नाम रखा गया है Nervo+D के नाम से, जो कि बके नरमाइन टॉनिक का काम करती है, पैर से लेकर सर तक ना कोई तोड़, ना तकलीफ, ना किसी किस्म की कोई परेशानी। उल्टा पेशेंट को क्या होता है, भूख अच्छी लगने लगती है, सेहत अच्छी बनने लगती है, उसको लगता है यार इतने दिन हो गए मैंने नशा ही नहीं किया, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसकी बॉडी जो है पहले से अच्छी होने लगती है, तो उसकी सेहत भी अच्छी होने लगती है। तो
तो ये जो दवाई है इसको तभी लोग लेते हैं, तभी इसका इतना अच्छा मतलब प्रचार हो रहा है दुनिया में कि एक आदमी जब नशा छोड़ता है उसके पीछे 10 लोग और हमारी संस्था में संपर्क करते हैं। आपने देखा होगा कि मैं बाकी लोगों की तरह रोज़ रोज़ टीवी चैनलों पे आके नहीं बता पाता, क्योंकि हमारे पास उतनी ही दवाइयाँ बनती हैं जितनी हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो आप लोगों को मैं यही एक निवेदन करूँगा कि आप लोगों के घर में कोई भी इंसान किसी भी प्रकार के नशे की आदत में फंसा हुआ है, आप सबसे पहले तो उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसको प्यार से समझाइए, उसको बस इतना ही कहिए कि आप 4 दिन दवाई खाओ, अगर आपको लगे कि 4 दिन में ये दवाई ने कुछ नहीं किया, आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, फिर आप नशे तो करते ही हो, करते रहना। अगर आप सच में छोड़ना चाहते हो तो ये 4 दिन की दवाई आप उनको ज़रूर मंगा के दीजिए, और 4 ही दिन में आपको पता चलेगा कि जो इंसान दिन रात नशा करता था वो नशे की तरफ मुँह भी नहीं कर रहा। और उसको फिर आप क्या करते हैं, पहले दिन से नशा छुड़वा देते हैं और 40 या 45 दिन में मतलब 5 या 6 हफ्ते में उसकी नशे की जो दवाई, जो नशा छुड़ाने के लिए दवाई हम देते हैं वो दवाई भी छूट जाती है। ये एक हमारे सेंटर की सबसे बड़ी बात मैं कह सकता हूँ कि आज तक कोई भी पेशेंट हमारा ऐसा नहीं है जो नशा छोड़ गया हो और हमारी दवाइयों पर लग गया हो, बिल्कुल नहीं होता। उसने पहले दिन नशा छोड़ा और 3 या 4 हफ्ते में 6 हफ्ते में उसने हमारी दवाई को भी अलविदा कर दिया और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं। बिल्कुल, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, कॉल करके इस दवा को मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ आप बात भी कर सकते हैं हमारे डॉक्टर से। इसके अलावा अगर आपके घर में भी कोई है जिसे नशे की लत है तो उस नशे की लत से आप उसे दूर कर सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर चीज़ का तोड़ होता है और यहाँ आपको नशे का तोड़ ज़रूर मिलेगा। हमारे साथ एक कॉलर सुनीता आगरा से जुड़ी हुई है। जी सुनीता बताइए। डॉक्टर नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर मेरा बेटा 24 साल का, बहुत अफीम खाता है, तो इसके लिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर इसका कोई इलाज है तो प्लीज मुझे बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अफीम जो है वो एक ऐसा नशा है जो इंसान इस नशे को 15 से 16 दिन लगातार कर लेता है तो वो इस नशे की लत में फंस जाता है, उसको फिर ये नशा छुड़वाना ही पड़ता है, वो फिर छोड़ नहीं पाता। उसके लिए हमारे जो सेंटर है वहाँ पे बहुत अच्छी औषधियाँ दी जाती हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ दी जाती हैं जो पेशेंट को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देती। आप अपने बेटे को, अपने बच्चे को ये समझाइए कि यदि आप नशे की दलदल में फंस गए हो बेटा, हम आपके साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं, अगर आप छोड़ना चाहते हो तब हम आपको ऐसी दवाई दिलवा देते हैं जो 4 दिन में आपको लगेगा कि मुझे नशे की ज़रूरत नहीं है, मैं ये दवाई का कोर्स पूरा करूँगा। तो उसके बाद आप इसका कोर्स पूरा करके उसको अफीम की आदत से हमेशा के लिए छुड़वा सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको यही बता रहे हैं कि परेशान मत होइए। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करिए, संपर्क करिए। और नशे से जो लोग परेशान हैं, आपके घर में भी कोई हो सकता है, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपके पति हो, या आपके घर का कोई भी परिजन या कोई भी शख्स हो, आप उसे इस नशे की लत से दूर कर सकते हैं। इसका तोड़ हमारे पास है। टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लत है जिससे अपनों को दूर करना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही सुभाष जी, यहाँ आपसे एक और सवाल मेरा है। जिस तरीके से हम यहाँ पर तमाम नशों की बात कर रहे हैं, शराब की बात कर रहे हैं, सिगरेट की बात कर रहे हैं, यहाँ चिट्टी का जो नशा होता है, जो चिट्टा एक नशा होता है, इससे लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे कई लोग देखे हैं जो खुद रोते हैं इस नशे से दूर होने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी सर उससे दूर नहीं हो पाते हैं। देखो ये ना एक सिंथेटिक नशा है, जो अफीम का नशा है, स्मैक का नशा है, या ये कह लो कि पुक्की का, पोस्त का नशा है, ये जो नशे हैं ये एक कुदरती पौधे से बनते हैं, ठीक है ना। जैसे एक पौधा है उसके अंदर खसखस निकलती है, उसके अंदर उसी सी पोस्त बन जाती है, उसी की अफीम निकल जाती है, तो वो एक कुदरती पौधा है जिसकी एक मात्रा जो है वो दवाइयों में भी पड़ती है, बहुत सारी दवाइयों में पड़ती है, जो लकवे की दवाइयाँ हैं और बहुत सारी हैं, हार्ट की मेडिसिन है, उनमें डलती है। वो एक गवर्नमेंट के साइंटिफिक लोगों के पास, जिनके पास लाइसेंस है, वो डालते हैं। लेकिन कुछ लोग इसकी मात्रा जब ज़्यादा लेने लगते हैं तो वो इसके अडिक्ट हो जाते हैं। अब जो आपने बात करी है कि चिट्टे का जो नशा है, चिट्टा एक सिंथेटिक नशा है,
उसका, जैसे अफीम का मैंने बताया कि जो आदमी 15-16 दिन लगातार लेता है वो इसका अडिक्ट होता है, और जो चिट्टे का नशा है उसको एक दिन भी अगर किसी को दे दिया जाए तो वो उसका अडिक्ट हो जाता है। तो वो एकदम पूरे अपने ब्रेन को, हार्ट को, लीवर को, पूरी बॉडी के जितने भी जेनिटल ऑर्गन्स हैं उन सभी ऑर्गन्स को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उसके बिना मतलब उसको मतलब लगता ही नहीं, उसका शरीर ऐसे उठेगा ही नहीं, बिल्कुल शरीर न्यूट्रल हो जाता है। तो ये जो नशा है इसको छुड़वाने के लिए हमने बहुत अच्छी औषधियाँ, आयुर्वेदिक औषधियाँ जिनके रत्ती भर भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और वो आपको दी जाती हैं, जिससे कई बार लोग क्या करते हैं, आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि गोयल साहब नशा तो छोड़ देंगे, नशा छोड़ने के बाद हमारी जो मैरिड लाइफ है उसमें बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आता है, तो हम उसके कारण फिर नशे की तरफ जाते हैं। आपकी दवाइयों से कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि हमें फिर प्रॉब्लम आ जाए? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको जब ये दवाइयाँ शुरू की जाती हैं तो इससे पहले यही ध्यान रखा गया कि आपको कोई भी मेंटली, कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम ना हो, और आपकी जो बॉडी है वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाए, नया खून बनता है, नया वीर्य बनता है। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर अमन जुड़ गए हैं सोनीपत से। जी अमन बताइए। हेलो जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर जी। मैं ना जी बहुत टाइम से मतलब काफी लंबे समय से स्मोक कर रहा था, तो अभी बीच में सर मैंने बहुत कम कर दी है, तो जिसके कारण क्या होता है कि सर मतलब ना सांस चढ़ता है, बॉडी थकान में रहती है, और सर बहुत ज्यादा ना मतलब उल्टियां भी आ जाती है कई बार, पेट खराब रहना, कुछ ऐसी समस्याएं होने लग गई है सर। अरे अमन तेरी आवाज पहचान रहा हूँ, आपको दवाई भी दी थी मैंने शायद पीछे कभी आप आए थे ऑफिस। हाँ जी शायद जी सर। हाँ तो एक महीने की दवाई आपको दी थी, कुछ फायदा हुआ था उससे? आवाज शायद कट गई है। तो ऐसा है कि ये स्मोक का जो प्रॉब्लम है, सिगरेट जो पीते हैं लोग, इनके लिए हमारी जो संस्था है उसमें दवाई दी जाती है, और वो भी एक ऐसा नशा है सिगरेट का जो लोग छोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं। तो उनको हम जब देते हैं तो वो क्या करते हैं कि उस दवाई को धीरे धीरे जब लेना शुरू करते हैं, एक ही दिन में एक ही कैप्सूल लेना होता है, और चाहे वो बता के दे दो चाहे वो बिना बताए दे दो, दोनों तरीके से एक ही दवाई है। बिना बताए देना है तो कैप्सूल को खोल के उसका पाउडर निकालो, किसी भी खाने पीने वाली चीज़ में मिला के अपन दे सकते हैं, कोई स्मेल, कोई कलर, कोई टेस्ट नहीं है। जैसे शराब छुड़ाने की दवाई हम देते हैं वैसे इसको भी दे सकते हैं। तो ये एंटी निकोटिन एक साल्ट है जो काम करता है, बहुत गुड इसके रिजल्ट आते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे शराब लोग 3 महीने में छोड़ते हैं, 6 महीने में छोड़ देते हैं, जो सिगरेट का नशा है ये धीरे धीरे छूटता है, लेकिन ये परमानेंटली ऐसे ही बंद होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान शराब की तरफ मुंह नहीं कर पाएगा, तो वो सिगरेट की भी उसको स्मेल से नफरत हो जाती है। अगर इसका पूरा कोर्स 3 से 6 महीने का कर लिया जाए तो ये किसी भी तरीके का कोई सिगरेट का नशा है वो छूट जाता है। बिल्कुल, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन तमाम नशों का तोड़ हमारे पास है। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, और अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, वैद्य जी से भी बात कर सकते हैं, और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। नशे की आदत को छोड़ना और छुड़वाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य पर असर डालती है, इसके साथ आपके दिमाग पर असर डालती है, आपके घर गृहस्थी पर असर डालती है, जिसकी वजह से आप परेशान रहने लगते हैं। तो इन तमाम परेशानियों से खुद को निजात यहाँ पर दिलाने के लिए, अपनों को इन तमाम नशों से दूर करने के लिए हमसे संपर्क करें। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर हम लोग फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करें और अपनी इन समस्याओं का समाधान पाएं, क्योंकि संस्था के पास इन तमाम नशों का तोड़ मौजूद है। हमारे साथ एक कॉलर सुनीता आगरा से जुड़ी हुई है। जी सुनीता बताइए। डॉक्टर नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर, मेरा बेटा 24 साल का, बहुत अफीम खाता है, तो इसके लिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर इसका कोई इलाज है तो प्लीज मुझे बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अफीम जो है वो एक ऐसा नशा है जो इंसान इस नशे को 15 से 16 दिन लगातार कर लेता है तो वो इस नशे की लत में फंस जाता है, उसको फिर ये नशा छुड़वाना ही पड़ता है, वो फिर छोड़ नहीं पाता। उसके लिए हमारे जो सेंटर है वहाँ पे बहुत अच्छी औषधियाँ दी जाती हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ दी जाती हैं, जो पेशेंट को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देती। आप अपने बेटे को, अपने बच्चे को ये समझाइए
कि यदि आप नशे की दलदल में फंस गए हो बेटा, हम आपके साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप छोड़ना चाहते हो तब हम आपको ऐसी दवाई दिलवा देते हैं जो 4 दिन में आपको लगेगा कि मुझे नशे की ज़रूरत नहीं है, मैं ये दवाई का कोर्स पूरा करूँगा। तो उसके बाद आप इसका कोर्स पूरा करके उसको अफीम की आदत से हमेशा के लिए छुड़वा सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको यही बता रहे हैं कि परेशान मत होइए। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करिए, संपर्क करिए। और नशे से जो लोग परेशान हैं, आपके घर में भी कोई हो सकता है, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपके पति हो, या आपके घर का कोई भी परिजन या कोई भी शख्स हो, आप उसे इस नशे की लत से दूर कर सकते हैं। इसका तोड़ हमारे पास है। टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लत है जिससे अपनों को दूर करना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही सुभाष जी, हाँ, आपसे एक और सवाल मेरा है। जिस तरीके से हम यहाँ पर तमाम नशों की बात कर रहे हैं, शराब की बात कर रहे हैं, सिगरेट की बात कर रहे हैं, यहाँ चिट्टी का जो नशा होता है, जो चिट्टा एक नशा होता है, इससे लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे कई लोग देखे हैं जो खुद रोते हैं इस नशे से दूर होने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी सर उससे दूर नहीं हो पाते हैं। देखो, ये ना एक सिंथेटिक नशा है, जो अफीम का नशा है, स्मैक का नशा है, या ये कह लो कि पुक्की का, पोस्त का नशा है। ये जो नशे हैं, ये एक कुदरती पौधे से बनते हैं, ठीक है ना। जैसे एक पौधा है, उसके अंदर खसखस निकलती है, उसके अंदर उसी सी पोस्त बन जाती है, उसी की अफीम निकल जाती है। तो वो एक कुदरती पौधा है जिसकी एक मात्रा जो है वो दवाइयों में भी पड़ती है, बहुत सारी दवाइयों में पड़ती है, जो लकवे की दवाइयाँ हैं और बहुत सारी हैं, हार्ट की मेडिसिन है, उनमें डलती है। वो एक गवर्नमेंट के साइंटिफिक लोगों के पास, जिनके पास लाइसेंस है, वो डालते हैं। लेकिन कुछ लोग इसकी मात्रा जब ज़्यादा लेने लगते हैं तो वो इसके एडिक्ट हो जाते हैं। अब जो आपने बात करी है कि चिट्टे का जो नशा है, चिट्टा एक सिंथेटिक नशा है, उसका जैसे अफीम का मैंने बताया कि जो आदमी 15-16 दिन लगातार लेता है वो इसका अडिक्ट होता है, और जो चिट्टे का नशा है उसको एक दिन भी अगर किसी को दे दिया जाए तो वो उसका अडिक्ट हो जाता है। तो वो एकदम पूरे अपने ब्रेन को, हार्ट को, लीवर को, पूरी बॉडी के जितने भी जेनिटल ऑर्गन्स हैं, उन सभी ऑर्गन्स को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उसके बिना मतलब उसको मतलब लगता ही नहीं, उसका शरीर ऐसे उठेगा ही नहीं, बिल्कुल शरीर न्यूट्रल हो जाता है। तो ये जो नशा है, इसको छुड़वाने के लिए हमने बहुत अच्छी औषधियाँ, आयुर्वेदिक औषधियाँ, जिनके रत्ती भर भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और वो आपको दी जाती हैं, जिससे कई बार लोग क्या करते हैं, आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि गोयल साहब नशा तो छोड़ देंगे, नशा छोड़ने के बाद हमारी जो मैरिड लाइफ है उसमें बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आता है, तो हम उसके कारण फिर नशे की तरफ जाते हैं। आपकी दवाइयों से कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि हमें फिर प्रॉब्लम आ जाए? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको जब ये दवाइयाँ शुरू की जाती हैं तो इससे पहले यही ध्यान रखा गया कि आपको कोई भी मेंटली, कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम ना हो, और आपकी जो बॉडी है वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाए, नया खून बनता है, नया वीर्य बनता है। जो सिगरेट का नशा है ये धीरे धीरे छूटता है, लेकिन ये परमानेंटली ऐसे ही बंद होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान शराब की तरफ मुंह नहीं कर पाएगा, तो वो सिगरेट की भी उसको स्मेल से नफरत हो जाती है। अगर इसका पूरा कोर्स 3 से 6 महीने का कर लिया जाए तो ये किसी भी तरीके का कोई सिगरेट का नशा है वो छूट जाता है। बिल्कुल, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन तमाम नशों का तोड़ हमारे पास है। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, और अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, वैद्य जी से भी बात कर सकते हैं, और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। नशे की आदत को छोड़ना और छुड़वाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य पर असर डालती है, इसके साथ आपके दिमाग पर असर डालती है, आपके घर गृहस्थी पर असर डालती है, जिसकी वजह से आप परेशान रहने लगते हैं। तो इन तमाम परेशानियों से खुद को निजात यहाँ पर दिलाने के लिए, अपनों को इन तमाम नशों से दूर करने के लिए हमसे संपर्क करें। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर हम लोग फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करें और अपनी इन समस्याओं का समाधान पाएं, क्योंकि संस्था के पास इन तमाम नशों का तोड़ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम आपने यहाँ पर बातें की, और किस तरीके से नशे से दूर किया जा सकता है लोगों को, इसके बारे में जानकारी की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जी आपका भी और सभी। रोग अनेक, दवा सिर्फ और सिर्फ एक, खाने की नहीं, नाभि पे लगाने की।
जिंदगी सवार दे नाभि टच ऑयल, वरदान आयुर्वेद का नाभि टच ऑयल। हमारा पता है SCO 372 सेकंड फ्लोर सेक्टर 44D अबाव उत्तम स्वीट्स चंडीगढ़ 160047।